आज मैं एक शॉर्ट वीडियो देख रही थी उसने कोई यंग सा लड़का था वो न बहुत सारे सूरतों के फजीलत बता रहा था सूरतों के तो उसने कहा कि जो शख्स अपने वालदे के लिए कब्रिस्तान जाकर कब्र पर जुम्मे सुर यासिन पढ़ेगा ना तो उसको सुर यासिन के जितने भी अल्फाज हैं ना उनके वाले दिन के ना उतने ही गुना माफ़ कर दिए जाएंगे और खर्जियाँ ज़रूर पढ़ा करें और भी उसने बहुत सी बातें की कर्ज़ के लिए फला सूरत पढ़ें और मर्ज़ के लिए सूरत पढ़ें और कंजोबर ये मैंने बड़ी सर्च करके वीडियो बनाई है शेयर भी करें तो मैं मैंने आपसे ये पूछना था कि सुर के बारे में कि

तो नेकियां आपके मुकद्दर में लिख दी जाती हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है लेकिन कुरान करीम की बहुत सारी ऐसी सूरतें हैं जिनकी फजीलत हमारे यहाँ सूफ़ियों ने और ये जो यंग जनरेशन के आप और यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स देख रही हैं इन्होंने उसको बहुत फ़रो दे दिया है हालांकि किसी भी सही जो हदीसें इस सिलसिले में वारद हुई हैं ना वो भी मैं आपकी ख़िदमत में पेश करूंगा और उनके बारे में क्या हुक्म है अहल इम का मौक़ ये है कि इस सूरत के बारे में जो रिवायात हैं हज़रत अनसरद तु न बिक्रीम वसलम ने फ़रमाया कि नलिकल्लिश इन कल्बन वक़लबल क़ुरान यासिन हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान का दिल सुर यासीन है और जो सुर यासीन पढ़े अल्लाह ताला उसके पढ़ने के साथ उसके लिए दस मरतबा कुरान पढ़ने की तिलावत लिख देता है इमाम तिरमिज़ी अलैह ने इस हदीस को बयान किया ये हदीस आ, हसन ग रीब है हम उसे हमीद बिन अब्दुलरहमान की रिवायत के अलावा नहीं जानते और उसका एक रावी हारून अबू महम्मद शेख मजहूल है इबन हातिम ने अपने वालद से नकल किया है उन्होंने फ़रमाया हदी सुन बल्ला ये हदीस बातिल है इसकी कोई असल नहीं है रहमतुल्लाह रमतल ने इसे मौजू करार दिया है तो जो रिवायात सूरह यासीन के बारे में बयान की जाती है ना वो फजीलत के एतबार से कोई भी रिवायत सही नहीं है अगली रिवायत सुन लीजिए अब हुरैरा बयान करते हैं कि अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी रात सुर यासिन पढ़े हाल में सुबह करता है कि उसे बख्श दिया गया होता है इबन कसीर ने उसकी सनद को जईद कहा है मगर मुसरद आला वगैरह में इसको इकरावी हैं शाम इबन ज़ियाद के ज़यीफ़ होने की वजह से ज़यीफ़ क़रार दिया है और ये फरमाया मतरूक तो ये भी रिवायत ज़ीफ़ है और एक और दूसरी रिवायत है जिसमें कहा कि जो शख्स किसी रात की को अल्लाह की रदा हासिल करने के लिए शुर यासिन पढ़े उसे बख्श दिया जाता है इसको भी मुत्द ने ज़ीफ़ करार दिया है और इसी तरीक़े से चौथी रिवायत माकलिब यसार से कहते हैं कि सर यासिन का कुरान का दिल है जो आदमी भी उसे अल्लाह और, और आखिरत के इरादे से पढ़े कि अल्लाह और दार आखरत उसे हासिल हो जाए उसे बख्श दिया जाता है तुम उसे अपने मरने वालों पर पढ़ा करो अब ये मरने वालों पर पढ़ा करो ये हदीस ज़ईफ़ है और पाँचवीं हदीस इबन अब्बास रजील तब बयान करते हैं रसूल रसोलकम ने फ़रमाया कि मेरी ख़्वाहिश है कि या, ये यानी सो यासन मेरी उम्मत के हर इंसान के दिल में मौजूद हो मुहि हकमत बिन बशीर ने फ़रमाया इसकी सनद संदीफ़ है क्योंकि उसका एक रावी इब्राहीम बिन हकम आ, भी ज़यीफ़ है मतददा हैं इसी तरीक़े से मनकरसीन फ़ी सदर नहारद हवाए जो एक ये भी रिवायत है जो कि ये कहा जाता है कि अगर किसी शख़्स ने दिन में यासीन पढ़ी उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी कर दी जाती हैं ये रिवायत भी और मुरसल है और इस सिलसिले में जितनी भी रिवायात पेश की गई हैं उन तमाम की तमाम में कोई भी रिवायत सही नहीं है इसी तरीक़े से ये भी मौजूद है कि من قرأ سورة ياسين وهو في سكرات الموت اگر وہ سکرات الموت میں ہو تو اس کو اس کے لیے اسانی ہوگی یہ روایت موضوع بن عطية الصفا مطرو یہاں اسی طریقے سے من قرأ ياسين فكانما قرأ القران عشر مرات ये रिवायत भी हद दर्ज़ा ज़ीफ़ और मरसिल है कि जिस आदमी ने शुर यासिन पढ़ी गोया कि उसने दस मरतबा क़ुरान करीम पढ़ा है इसी तरीक़े से और भी चंद रवायात हमें कहते हैं कि अब्दुलवाहाब सकफ़ी ने कबल मौत ही बिथरा थे से, इस रिवायत को नक़ल किया है और ये रिवायत भी ज़ैफ़ है खुला कलाम ये हुआ कि यासीन शरीफ के बारे में सर यासीन के बारे में जो हमारे यहाँ पेश की जाती है ना वो तमाम की तमाम रवायात असल में ये तो जो किसी ने ये फजीलतें बयान की होंगी ना मौलाना अशरफ़ अली साहब थानवी का तर्जुमा है और उन्होंने तो कमाल कर दिया है तर्जुमे के से पहले मतलब कुरान करीम के इब्तदा से पहले ही तकरीबन चालीस सफ़े हैं जिसमें हर सूरत की फजीलत और हर सूरत का आपको नंबर और हर सूरत का तावीज़ भी लिख कर दे दिया है हालाँकि मन तमीमतनफ़ अशरफ जिसने तावीज़ लटकाया उसने गोया के शिरक किया तो हजरत अशरफ़ अली थानवी साहब ने जो तवीज़ गंडे कुरान करीम के साथ चस्पा किए हैं उनकी ज़रूरत नहीं थी और वो जो फ़जीलतें मौलाना जक्रिया ने भी आ, तबलीगी निसाब में शुर यासन की फजीलत बयान की है उन्होंने भी लिखा है उन्होंने फ़जायल तबलीगी निसाब में नक़ल की है कई वो ये शोर यासीन की फ़जीलत में ज़ैफ़ और मरदूद रिवायत ने नक़ल की है मौलाना जक्रिया ने सफ़ा दो सौ बयानवे पर फ़ाएल कुरान में ललिकल्लिशिन कल्वन कल्ल क़रअन यासिन ओमन करा यासिन कुरान अशर मर्राद कहते हैं कि एक आदमी अगर शुर यासीन हर हर चीज़ का कोई ना कोई दिल होता है शुरियास कुरान का दिल है और जो इस पढ़ता है अल्लाह ताला उसको कुरान करीम दस मरतबा कुरान करी पढ़ने का सवाब देता है तो गोय है एक मरतबा अगर आपने लकुलशिन कल्ब करा आयत यासिन कतबल्लू अगर सूर यासिन कोई पढ़ता है तो ये रवायात मौलाना ज़िक्रिया ने भी नकल की हैं ये झूठी और बहुत सारी रवायात तो मौजू हैं बहुत सारी रवायात ज़ीफ़ हैं और बहुत सारी रवायात गैर मुस्ंद हैं बहर कोई भी रवायात इस सिलसिले में शेख वमी ये फरमाते हैं कि कोई भी रिवायत सही नाक़ा के बारे में है और ना ही शौरा यासिन के बारे में है असलकुम वही वरक़ात हो